जरूर मिलेंगे। तो अभी मैंगो का देखो पर के जी यानी कि किलो पे एक ही पीस चढ़ने वाला, इतना बड़ा साइज है। अभी देखा आपने पीला तरबूज? पहली बार देखने को मिल रहा है, लाल के साथ पीला तरबूज भी है। केजी के हिसाब से 40 बैट। पीला तरबूज अजीब 30 बाट पर पीस है, 29 बाट पर पीस, ये 30 बाट पर पीस, 59 बाट पर पीस। PCS लिखा है ना, तो पीस की बात हो रही है, 80 बाट पर पीस है। बाट में किलो के हिसाब से मत सोचना आप लोग, सारी आइटम यहाँ पर पीस बिक रही है, 219 बाट पर पैकेट। अगर आप स्ट्रॉबेरी खाने का शौकीन है तो ये लीजिए। फ्रूट तो बाय गॉड प्राइस लग रहा है बहुत महंगा भाई, 199 बाट पर केजी के हिसाब से आपको अंगूर मिलेंगे, करीब करीब 200 बाट के हिसाब से, यानी 500 रुपये किलो। हम 70 रुपये किलो नहीं खाते अपने एरिया में, 70 रुपये किलो को बोलते हैं कि महंगा है, छोड़ के आ जाता हूँ मैं तो। हेलो जी, मैंगो का देखो पर के जी यानी कि किलो पे एक ही पीस चढ़ने वाला है, इतना बड़ा साइज है, 99 रुपये किलो। वेजिटेरियन लोगों आपकी तो लग गई। आपके साथ वेज की तो बात कर ही रहा था, मेरा नॉन वेज की कहानी भी सुन लो। और ये पोर्क मीट है, इसको रेड मीट कहा जाता है, 19 रुपये के ये पैकेट मिल रहे हैं आपको, 90 रुपये में। अच्छा 37 का भी है, तो ये वेट के हिसाब से है जो मैं समझ पा रहा हूँ, 300 ग्राम है ये, 200 ग्राम है, 37 बाट में 200 ग्राम, 90 बाट में 300 ग्राम, तो रेड मीट इस तरह से पैकिंग में है। ये बीफ लग रहा है, काउ की फ़ोटो यहाँ पर बनी हुई है, तो इसका 1 kg 140, सॉरी मैसेज दिखाया जा रहा था, कुछ लोगों को मीट देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मेरी माँ को होती है, तो 140 बाट में मेरे को काउ मीट मतलब जो यहाँ बिक रहा है लोग मेरे को, दैट इज़ 1000 ग्राम, 140 बाट, 75 बाट में रेड मीट में आपको बता ही चुका हूँ। काउ का मीट अवेलेबल है, चिकन है, तो मैं काउ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ़ोटो काउ की बनी है, वो पहलों की फ़ोटो नहीं है, तो यहाँ पर बीफ बहुत कॉमन है। टर्की भी यहाँ दिख रही है मेरे को, टर्की का पूरा पैकेट मिलेगा आपको 176 बाट में, और वज़न है इसका 1 किलो 412 ग्राम। सो सोच सकते हैं फ्रूट जहाँ पर पीस हम लोग ले रहे थे 30-30 बाट का, तो उसको डबल करो, यानी जितने में आप 2 सेब लेते हैं उतने में ही आप ले सकते हैं 300 ग्राम पॉक, या फिर बीफ अगर लेंगे तो 450 ग्राम बीफ आपको मिल जाएगा, और चिकन भी ऑलमोस्ट 450 ग्राम 10 रुपये और डाल करके मिल जाएगा, तो बीफ यहाँ थोड़ा रेट कम लगता है ऐसा है। ज़रा वेजिटेबल्स की कहानी सुन लेते हैं, वेजिटेबल्स का क्या है कहानी सीन। पर केजी के हिसाब से है 85 बाट रुपये किलो के हिसाब से बैंगन मिलेंगे आपको, 85 बाट पर केजी। ये रेड कैबेज है, आप देखो इसको, रेड कैबेज का जो रेट है वो 85 बाट है, ग्रीन आइसबर्ग लेटस जो ये वाला है 179 रुपये पर केजी है, और ये रेड आपको कैप्सिकम दिख रहा है 225 बाट पर केजी। इतनी महंगी आप सब्ज़ियाँ बेच लाओगे लोगों को तो लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली नॉन वेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। 225 बाट है पर केजी का रेट येलो कैप्सिकम का, और ग्रीन कैप्सिकम का रेट जो आ रहा है 190 189 बाट के अंदर चाहिए, 189 बाट में आपको 1 किलो कैप्सिकम मिल रही है, और खीरे खीरे जो इंडिया में खाते हैं 2-2 के पीस बनाए गए हैं, और लौंग तक हम 350 ग्राम का पैकिंग है एवरेज 25 बाट में, 2 खीरे 12.5 बाट का, एक
पैकेट 40 बाट का है भाई साहब, मीट के साथ सब्जी। आजकल बेबी टोमेटो जो आता है ना 165 रुपये किलो के हिसाब से, बैठे बैठे मैंने आपको शॉपिंग करवा दी यहाँ पे, है ना। 60 बाट का आपको ये मिलेगा मशरूम, वाइट मशरूम जो है वो 37 या 39 बाट का है। वीट मशरूम का जो है वो 150 ग्राम की पैकिंग है, तो 150 ग्राम या 200 ग्राम 37-39 रिस्पेक्टिवली। बेबी कुकुम्बर भी है 200 ग्राम 250 ग्राम का पैकिंग बनाया गया है 30 बाट रुपये में। इसमें थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें डाल दी हैं, हरे मिर्च है, अदरक है, प्याज है, थोड़ा सा सेलरी लग रहा है मुझको, और एक दो आइटम हो रहे जिनका नाम नहीं पता, और एक ये नींबू। ये पूरा पैकिंग 200 ग्राम का बनता है और इसका 20 बाट रुपये में आपको 20 बाट में ये मिल रहा है। भाई 20 बाट खर्च करो, घर ले जाओ, और आपको कुकिंग के हिसाब से जो भी चीज़ें वो मिल गई। कल जो मैं गाना गा रहा था ना, दो बेचारे नॉनवेज के आ रहे, वेज ढूंढ ढूंढ के आ रहे, ये सच है वेजिटेरियन लोगों के लिए तो यहाँ जहन्नुम जैसा लगता है। उसमें गरम करना कप में। दो बेचारे नॉन वेज के मारे, वेज ढूंढ ढूंढ के हारे, वेज ढूंढ ढूंढ के हारे। ये देखो हाल वेज खाने वालों का, बेचारे नूडल लेके आए और साथ में ये रोड लेके आए, इस रोड के साथ ये लोग बनाएंगे अपने लिए खाना और इसी के बाद गाएंगे गाना। हाँ, खाना खाने के बाद खापा खापे बोलेंगे और फिर गाना भी गाएंगे। दो बेचारे नॉन वेज के मारे, थाईलैंड आकर के हारे। अरे चला इसको खाना। दो बेचारे थाईलैंड आके हारे, खपन नूडल खा के खम चला रे। दो बेचारे खाना पसंद है, अगर आप खरीदना चाह रहे तो देखिए एग की कहानी क्या है। आपको मिलेंगे 49, तो टोटल 24 अंडे 49 बाट में, 60 बाट में आपको 180 ग्राम बनाना चिप्स मिल रहे हैं। ड्यूरियन ट्यूब टब निकालने के बाद जो हम लोग सड़कों पे देख रहे थे 40 बाट का है। ये ड्यूरियन फूड हम बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी सुना है कि स्मेल बहुत बुरी है। जिस होटल में या गेस्ट हाउस में हम रुके हैं वहाँ लिखकर के लगाया गया है कि बम इज़ नॉट अलाउड एंड ड्यूरियन फूड इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड टू ब्रिंग इन साइड द रूम, क्योंकि उसकी स्मेल इतनी ख़तरनाक है कि आप उसको झेल नहीं पाते हैं। कुछ और चीज़ें भी ध्यान रखने वाली है कि अगर आप ड्यूरियन फूड बियर के साथ खाएंगे तो ऑलमोस्ट डेथ वाली सिचुएशन होगी। उसको मीट के साथ भी नहीं खाना है, दूध के साथ भी नहीं खाना है, बहुत गर्म होता है, और दो चीज़ें जो मिलके लीवर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा जिस वजह से आपके डेथ होने के चांसेस हैं। पांच बाट में का एक पीस है चटनी के साथ मिला, एंड दिस इज मेड विद फिश। सो अगर अजीत बेचारा, अभी छोड़ो क्या गाने सुनाएं दोबारा से, वो दो बेचारे और नॉन वेज के मारे। दो बेचारे नॉन वेज के मारे, वेज ढूंढ ढूंढ के हारे, वेज ढूंढ ढूंढ के हारे। कोट किया है कलरफुल चीज से, अंदर फिश बॉल निकलता है, तो आप उसको बाइट करके खा सकते हैं। तीन अलग अलग तरह की चीज़ें ली मैंने, हर एक का पाँच बाट का रेट है। अभी जो मैं आपको मॉल में बता रहा था ना किस तरह के रेट है वेजिटेबल्स के और बाकी चीज़ों के, तो वेज फूड खाने वालों के लिए तो मुसीबत है बहुत बड़ा थाईलैंड में। अभी तो सोचता है या
It's okay. I don't need that. That. Yeah, yeah. Okay. Thank you. Take this. Thank you. देखने में मोमो जैसा ही है बिल्कुल. ये हम लोग ऐसे मोमो होती हैं कलर में भी और ऐसे ही बनते भी हैं. इसमें भी ऊपर एक कोट है शायद बेसन का और उसके अंदर मीट है. स्टफिंग मीट की गई है. पहली बार ट्राई कर रहा हूँ. पता नहीं कैसा होगा. मेड विद पोर्क मीट. वेजिटेरियन लोगों की कहानी आपके सामने है. बेचारा पहले जा कर के बर्तन मांग करके लाया. अब गर्म पानी लेगा एक रेस्टोरेंट वाले के पास जाके और इस पैकेट को गर्म पानी में रखेगा थोड़ी देर और तब ये खाने के लिए तैयार. मतलब ये दोनों भाई बहन वेजिटेरियन होने का अच्छा पे आउट कर रहे हैं. खाने को सुबह से सुबह को एग और राइस मिल रहा था तो इन्होंने एग के बगैर राइस खाया. अभी खाने के लिए ढूंढ रहे क्या है. थोड़ी देर पहले बेचारे ये खा के हटे मैगी मसाला और उसके बाद नेक्स्ट आइटम है इनका ये हल्दीराम मिनट खाना. तो पनीर मखनी है इनके पास विद प्लेन राइस. तो दोनों का पैकेट है. अभी इन जगह जाके बर्तन सामने उनको देखो. बर्तन यहाँ से लिया उनसे और अब बारी है गर्म पानी मांगने जाने की. गया हुआ है और मांगने के बाद फिर जाके इनको मिलेगा वेज खाना खाने के लिए. थाईलैंड वालों वेजिटेरियन लोगों के लिए कुछ सोचो यार. सस्ता खाना ही बना दो. खाना नहीं दे सकते सस्ता. कम से कम खाना पकाने का ऑप्शन ही दे दो. नहीं खाना तो मिलता है इंडियन बट महंगा. देखा कहते खाना तो यहाँ मिलता है वेज लेकिन बहुत महंगा है. महंगा है तो घर से लेके आए इसलिए. बनाओगे कहाँ लेके तो आ गए. नॉन वेज सस्ता है. पता है मैंने वो कितने में लिया. स्टिक 3 पीस 5 बाट ओनली. साढ़े 12-4 रुपये का एक. लो जी अब तो उनको भी लगने लग गया कि नॉन वेज सस्ता है यहाँ पे. भाई मेरा पेट तो इतना भर गया कि लगता है शाम तक कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. खाली पेट लेके घूम रही है बेचारी. लो जी आ गया गर्म पानी उबलता हुआ. देखो भाप निकल रही है अंदर से. अब इनका खाना थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा. लीजिए फाइनली भूखे लोगों को खाना मिल गया. ये दो बेचारे थाईलैंड के मारे और फाइनली पनीर मखनी और राइस खा रहे और साथ में इनफेक्ट स्वीट कॉर्न. या तो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है. जब भी आप लोग आ रहे हैं थाईलैंड तो अपने साथ ये इस तरह के रेडीमेड फूड पैकेट लेकर के आ जाइए. और मॉल में भी अक्सर आपको गर्म पानी मिल ही जाएगा. करिए और बनाइए और खाइए. ये स्टिकी राइस है विद पपिया सैलेड. ग्रेट कॉम्बिनेशन. हल्की सी चिली. एक्सलेंट डिश है. 50 पार्ट में आपको पपिया सैलड के साथ स्टिकी राइस. गुड वन. ग्रेट चॉइस. जो लोग वेजिटेरियन हैं और यहाँ आ रहे हैं तो वैसे तो इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं. वहाँ पूरा वेज मिलेगा आपको खाने को. पर अगर सस्ता ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो 50 बाट में ये ऑप्शन ट्राई किया जा सकता है. इंडियन करेंसी में आप बात करेंगे तो 111.50 रुपये एग्जैक्टली इतने की कॉस्ट पड़ेगी इसकी. इंडियन थाली अगर आप लेंगे तो 140 बाट से शुरू होती है. 140 बाट 200 बाट इस तरह से है. उसके कंपैरिजन में ये 50 बार बहुत बढ़िया है.
का कॉन्सेप्ट शायद हमारे शरीर को नहीं पता, ये हमारे दिमाग का विदूर है। क्यों खुश होना कि मैंने आज क्रैब खाया, मैंने सी फूड खाया, मैंने चिकन खाया। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, चिकन खाने में बच्चे बोलते हैं कितना प्रॉब्लम अली बात है, इट्स लाइक फूड यार, खाया तो खाया, रोटी भी तो रोज खाते, गेट लगा चिकन चिकन को चिकन खाने का दोस्तों कितनी बोला जो समथिंग लाइक योर कार योर वेल नोन में शरीर को नहीं पता दिमाग को पता।